assalamu alaikum grade 3 how are you all i hope you all are fine and i hope you all are doing safe uh, okay grade 3 as you all know that that this is your english class and uh, we have studied our unit number 4 uh, buses okay and we have also uh, done a little bit of the exercise of unit number 4 but today we will we आज हम जो रहता है आपका सबक हम वो करेंगे ठीक है आधा एक्सरसाइज हमने कर लिया था बस इसका और जो थोड़ा बहुत रहता है वो आज हम करेंगे ठीक है तो चलें आप अपनी बुक निकाल लें नोटबुक का कोई काम नहीं है तो आप नोटबुक हाँ नोटबुक का काम है नोटबुक लेके आ जाएं साथ में और ज़्यादातर काम जो है हम वो बुक में ही करेंगे ठीक है तो चलें अपनी बुक लेके आ जाएं और नोटबुक भी लेके आ जाएं पेंसिल्स वगैरह भी लेके आ जाएं ओके ग्रेड थ्री ओपन योर बुक एट पेज नंबर एटीन दिस इज़ यूनिट नंबर फोर एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर फोर बसेज और नीचे हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर बी जो कि पिछले लेसन में मैं uh, करवाना मेरे इट गॉट आउट ऑफ माई माइंड ये मेरे जहन से बिल्कुल निकल गया था आई थॉट ये हमने किया है बट देन आई हैड अ लुक क्लोजर और मैंने जब हॉँवर से देखा तो मुझे पता चला है, नहीं है हमने नहीं किया तो इसीलिए ये क्वेश्चन मैं अभी करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर बी पेज नंबर एटीन इट इज़ यूनिट नंबर फोर बुक इंग्लिश बसेस आर ओनली फॉर रिच पीपल यहाँ पे हमने ट्रू फॉल्स करना अच्छा ट्रू फॉल्स ऊपर लिखा हुआ है नीचे वन टू थ्री फोर फोर ट्रू फॉल्स हैं ठीक है तो बसेस आर ओनली फॉर रिच पीपल रिच क्या होता है अमीर पीपल लोग तो बसेस जो होती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अमीर लोगों के लिए होती हैं ठीक है तो क्या ये ठीक है नो इट्स रॉन्ग बसेस आर फॉर फॉर पुअर पीपल एज वेल ठीक है इसमें हर किस्म का बंदा ट्रैवल कर सकता है रिच भी और पुअर भी तो इट्स फॉल्स नंबर टू ओल्ड बसेस हैड नो डोर्स जो पुरानी बसेस होती थी ठीक है ओल्ड बसेस पुरानी बसेस उसमें नो no डोर्स होते थे मतलब दरवाजे नहीं होते थे तो यस दैट्स ट्रू अरे यहाँ पे तो फॉल्स है नहीं पुरानी बसेस में दरवाजे नहीं होते थे ये ट्रू है अच्छा जो पुरानी बसेस होती थी ना ठीक है दे हैड नो डोर्स ठीक है डोर uh, की जगह उनका पीछे एक ओपनिंग होता था जगह खुली हुई होती थी ये आप देख लें चेक कर लें पीछे बुक में जाके पेज नंबर सेवनटीन पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स नंबर लाइन में लिखा है देर वाज नो डोर ठीक है तो ओल्ड बसेस है नो डोर ये ट्रू कर दें ये फॉल्स नहीं है ये ट्रू है ठीक है नंबर थ्री कंडक्टर्स कलेक्टेड द फेयर्स कंडक्टर्स जो होते थे वो किराया लेते थे हाँ वो आज भी किराया लेते हैं ट्रू नंबर नंबर फोर अभी आ गया कंडक्टर्स ड्रोव द बसेस ड्रोव मींस ड्राइव करना तो क्या कंडक्टर्स बसेस को चलाते थे नो इट्स फॉल्स बसेस को चलाने के लिए ड्राइवर होता है कंडक्टर नहीं तो इट्स फॉल्स ठीक है अच्छा अब हमारा सेकंड सेकंड ये हमारा ये वाला पोर्शन हमने किया अभी ठीक है टू फॉल्स वाला अब हम ये वाला पोर्शन करेंगे फाइंड द वर्ड वाला ओके तो फाइंड द वर्ड वाले पोर्शन में हम क्या करेंगे Uh, के इट हैज़ टू व्हील्स कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके दो व्हील्स होते हैं यानी दो टायर्स होते हैं जिसके दो पहिए होते हैं तो कौन सी ऐसी गाड़ी है जिसके दो पहिए होते हैं साइकिल और बाईसाइकल तो यहाँ पर मैंने साइकिल ऑलरेडी लिखा हुआ है ठीक है तो आप अपनी बुक अच्छा ये जो फॉल्स हैं ये जो आंसर्स मैं अभी बता रही हूँ ये आप बुक में ही करेंगे ठीक है तो यह बुक में करें यू रिंग दिस रिंग मीन्स बजाना तो हम किस चीज को बजाते हैं बेल घंटी बजाते हैं ना हम सारे बेल बी ई डबल एल बेल कैच द बस हेयर बस को यहां से पकड़ो बस को हम कहाँ से पकड़ते हैं बस स्टैंड से ओके सो कैच द बस हेयर इज बस स्टॉप नंबर फोर कलेक्ट कलेक्ट्स फेयर्स कलेक्ट मीन्स लेना फेयर्स मीन कराया कराया कौन लेता है कंडक्टर सी ओ एन डी यू सी टी ई ओ आर ओके जी अब थर्ड वाले पोर्शन पर आ जाते हैं स्पेलिंग स्क्रैम्बल यहाँ पर आपको एक चीज़ की गलत स्पेलिंग दी हुई है और आपने उसको सही करके लिखना है अब एस यू बी सब ये तो कोई स्पेलिंग ना हुई तो इसका सही स्पेलिंग है बी यू एस बस ठीक है अभी हमारे पास है टी के आई सी टी ई अब ये क्या है ये है टिकेट ठीक है टी आई सी के ई टी टिकट रेफा आर ई एफ ए अब ये भी कोई वर्ड नहीं है अब इसको अगर हम ठीक करेंगे अनस्क्रैम्बल करेंगे तो ये हो जाएगा फेयर यानी कराया अभी लास्ट वन है वी आर डी आई ई आर अभी ये तो भी कोई वर्ड नहीं है तो इसका सही वर्ड है ड्राइवर डी आर आई वी ई आर ड्राइवर जो बस को चलाता है या किसी भी गाड़ी को चलाता है वो ड्राइवर होता है ओके अच्छा वी हैव डन दिस पोर्शन ये पोर्शन आपने सारा बुक में करना है नोटबुक में नहीं जाना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेज नंबर नाइनटीन पे सबसे लास्ट वाला सी ऑल अबाउट मी अंडर अंडरलाइन द वर्ड ऑनली अब यहाँ पे नीचे आपको कुछ सवाल दिए गए हैं क्वेश्चन देर आर क्वेश्चन एंड आपने उसका आंसर जो है उसको अंडरलाइन करना ये जो ग्रीन ग्रीन आप देख रहे हो ना वॉकिंग बाइसिकल बस कार इसमें से आपने जो सही ऑप्शन है आपके लिए वो आप टिक करोगे ठीक है चलें अब मैं आपको एक्सप्लेन करवाती हूँ पेज नंबर नाइनटीन यूनिट नंबर फोर बुक इंग्लिश क्वेश्चन नंबर सी आई गो टू स्कूल बाय मैं स्कूल जाता हूँ किस से तो आप कैसे स्कूल जाते हैं वॉकिंग वॉक करके बाईसकल साइकिल पे जाते हैं आप स्कूल बस क्या आप स्कूल जाने के लिए बस पकड़ते हैं कार क्या आप स्कूल गाड़ी में जाते हैं ठीक है अब अनफॉर्चुनेटली हमारी स्कूल की बस तो नहीं है लेकिन हमारी स्कूल की वो जो वैन वगैरह हैं तो वो लोग वैन लिख सकते हैं साथ में ठीक है कि वो वैन में आते हैं या आप अपना भी ऑप्शन डाल सकते हो कि रिक्शा में आते हैं ठीक है तो अगर कोई रिक्शा में आता है कोई वैन पे आता है कोई आ, मोटर बाइक पे आता है तो वो साथ में वो ऑप्शन लिख सकता है अगर कोई वॉक करके आता है तो फॉर एग्जांपल अभी कोई स्टूडेंट है सलमा से ज़रा कोई भी वो अगर वॉक करके आती है तो वो वॉकिंग पे टिक करेगी ठीक है कोई स्टूडेंट है वो वैन से आता है तो वो उसके साथ वैन लिख दे कोई अगर बाइसिकल पे आता है तो वो बाइसिकल पे टिक कर दे क्योंकि बाइसिकल है लिस्ट में लेकिन अगर आप जिस चीज़ से स्कूल आते हो वो लिस्ट में नहीं है तो वो आप साथ में लिख दो नंबर टू आई गो टू स्कूल विद आप स्कूल किसके साथ जाते हो ठीक है आई गो टू स्कूल विद मम मम्मा के साथ डैड पापा के साथ अबू के साथ अ फ्रेंड दोस्त के साथ जाते हो हेल्पर किसी सर्वेंट वगैरह के साथ जाते हो या नौकर जो होते हैं घर के तो आप किसके साथ स्कूल जाते हो ज़्यादातर हम अपने बहन भाइयों के साथ जाते हैं तो आप उनकी जगह ब्रदर सिस्टर या सिबलिंग लिख सकते हो आ, कोई अगर मामा के साथ जाता है तो मामा टिक कर दे कोई अगर अबू के साथ स्कूल आता है तो वो डैड पे टिक कर दे कोई अगर फ्रेंड्स के साथ स्कूल आता है तो वो फ्रेंड पे टिक कर दे अगर कोई अकेले स्कूल आता है तो वो साथ में अलोन लिख दे ठीक है और ये सब मैं चेक करूँगी और ये अपने बुक में ही लिखना है ठीक है नोटबुक में नहीं सिर्फ आप आंसर लिखें जब मैं स्कूल आऊँगी तो आई चेक दिस आउट आई लाइक टू ट्रैवल इन अ डैश अब आपको किस चीज़ में ट्रैवल करना पसंद है बस में बोट में के प्लेन में ठीक है जो रास्ता आपको पसंद हो आप वो ले लो फॉर एग्जाम्पल मुझे बोट में आपकी टीचर को बोट में ट्रैवल करने का बहुत शौक है ठीक है तो मैं बोट पे टिक करूँगी अब आपको अगर बोट या कश्ती पे जाना है हवाई जहाज़ यानी प्लेन पे जाना है या बस में जाना है तो आपको जो पसंद हो आप उस पे टिक कर दो वंस आई वेंट ऑन हॉलीडे ऑन अ डैश एक दफ़ा वंस मीन्स एक दफ़ा आई वेंट मैं गया था ऑन अ हॉलीडे छुट्टी पर किस चीज़ में बस में बोट में कि प्लेन में तो आप खुद टिक कर लें शाबाश अगर आप कार में गए हैं तो आप कार भी लिख सकते हो ठीक है आप जिस चीज़ में गए हो आप वो भी लिख सकते हो अदरवाइज आप इसी में से किसी को टिक कर दो ठीक है लास्ट है आई वुड लव टू फ्लाई इना मैं उड़ना पसंद करूँगा किस चीज़ में किस चीज़ में उड़ना पसंद करूँगा रॉकेट हेलीकॉप्टर हॉट एयर बलून हॉट एयर बलूस देखे हैं आपने वो जो हवा में वो बड़े बड़े बलून्स होते हैं उसके साथ एक टोकरी अटैच होती है उस टोकरी में लोग होते हैं ओके तो आप किस चीज़ में ट्रैवल करना सफ़र करना पसंद करेंगे किस चीज़ में आप उड़ना पसंद करेंगे आप टिक कर दो रॉकेट में कि हेलीकॉप्टर में कि हॉट एयर बलून में मैं रॉकेट में ट्रैवल करना पसंद करूँगी ठीक है तो आप भी आपको पसंद जो हो आपको हेलीकॉप्टर पसंद है आप हेलीकॉप्टर कर लो लेकिन ये सिर्फ फ्लाई की बात अगर आप बर्ड्स के साथ उड़ना चाहते हो तो आप बर्ड्स भी लिख सकते हो यू कैन डू एनी थिंग यू वांट बट इट इट इज़ अबाउट फ्लाइंग तो आपने सिर्फ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स का नाम लिखना है अगर वो इस लिस्ट में नहीं है तो ठीक है अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है ड्रॉ यूर सेल्फ इन अ हॉट एयर बलून अपनी पिक्चर बनाएं एक हॉट एयर बलून में उड़ते हुए ठीक है तो सबसे पहले आप एक हॉट एयर बलून बनाएं ठीक है उसके साथ नीचे एक टोकरी बनाएं और इस टोकरी में आप अपनी आ, फेस बना दें ठीक है इट्स ओके okay, अगर आपको ड्राइंग नहीं आती या आप ख़राब ख़राब ड्रॉ कर लेते हो आपकी टीचर को फिर भी बहुत अच्छा लगेगा एंड आई विल इन्जॉय इट ओके तो इट्स कम्प्लीटली फाइन तो हॉट एयर बलून में अपनी पिक्चर बनानी है तो ये जो बॉक्स गिवन है ना पेज नंबर नाइनटीन पे इसी क्वेश्चन के नीचे इसी बॉक्स में आपने ड्रॉ करना है नोटबुक पे नहीं जाना ओके बेटा अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे आ जाएं दिस इज़ पेज नंबर ट्वेंटी पे आ जाएं अब आप यूनिट नंबर फोर पेज नंबर ट्वेंटी बुक इंग्लिश इसमें हमारे ऊपर ये जो लिस्ट है ना ग्रीन कलर की इसमें बहुत सारे वर्ड्स गिवन है मैं आपको पढ़ के बताती हूँ आप भी फिंगर रखें बुक में और मेरे साथ पढ़ें से द वर्ड इस वर्ड को बोलो राइट द साउंड इस वर्ड का साउंड लिखो अब नीचे मैं वर्ड्स पढ़ती हूँ आप भी मेरे साथ पढ़ो स्टैम्प spaghetti, stump, spy, stage, spot, space, stoop, spoon, stall, spring, stairs. अभी मैंने आपको पढ़ के सुना दिए, अब इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो कि एस टी साउंड के हैं और कुछ वर्ड्स हैं जो कि एस पी साउंड के हैं जिसके स्टार्ट में एस टी आता है वो आप एस टी वाले बॉक्स के नीचे लिख लो जिसके स्टार्ट में एस पी आता है वो आप एस पी वाले बॉक्स में लिख दो तो। यहाँ पे मैंने आपको लिखवा के दिए मैं ऑलरेडी आप इस पिक्चर में से देख सकते हो आराम से ये एस टी वाले साउंड है आपके स्टैंप है स्टम्प है स्टेज स्टूप स्टॉल स्टेयर्स ये सारे क्या हैं ये एस टी वाले वर्ड्स हैं ओके फिर आपका है एस पी वाला साउंड स्पेगेटी, स्पाई स्पेस स्पून स्पॉट स्प्रिंग ये आपके एस पी साउंड वाले वर्ड्स हैं ठीक है तो ये आप इसी तरह अपनी बुक में लिख दो ठीक है बुक में नोटबुक में नहीं इधर ही बुक फिल कर दो अब नीचे आ जाए यहाँ पे आपको पिक्चर्स गिवन है क्वेश्चन नंबर बी नेम एंड कलर ठीक है नेम एंड कलर तो यहाँ पे उन्होंने पिक्चर्स ड्रॉ की हुई हैं आपने इसको नाम देना है कुछ नाम मैंने छुपाए हुए कुछ सामने है। कुछ आप कॉपी कर लो तीन आप तीन आप मुझसे कॉपी कर लो तीन आपको लिखने पड़ेंगे तो ये जो ये जो डॉगी सा बना हुआ है एक पेज पर ये स्टैम्प है बेसिकली पोस्ट कार्ड होता है ये ओके एंड सेकंड पिक्चर में एक लड़की है जो कि नूडल्स खा रही है और इसी नूडल्स को बिग नूडल्स को हम स्पेगेटी कहते हैं जो इसके नीचे मैंने ऑलरेडी स्पेगेटी लिखा हुआ है अब ये जो सीढ़ियाँ हैं सीढ़ियों को इंग्लिश में क्या कहते हैं सोचें शबश और ख़ुद नीचे लिखें ठीक है और ये सीढ़ियों का इंग्लिश वाला नाम ऊपर आपकी लिस्ट में है एस टी वाला साउंड है ना जो आपका उसमें ये प्रेजेंट है अच्छा नीचे एक बच्चा है और उसके मुंह पे एक दाग पड़ा हुआ है उसके उस दाग को इंग्लिश में क्या कहते हैं तो वो नाम भी आपका एस टी व वा, एस पी वाले साउंड में है तो आप सोचो वो क्या होगा और वो फिर लिखते हैं फिर आपका जो ये विकेट गिर जाती है या विकेट उड़ जाती है इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टम्प ठीक है तो ये पिक्चर के नीचे हमने लिख लिया स्टम्प अच्छा फिर ये जो लास्ट पिक्चर है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं ये एक चम्मच है तो आप ख़ुद सोचें और फिर नीचे लिख लें ठीक है तो ग्रेड थ्री मुझे पता है बहुत सारा काम हो गया है एंड आपको वीडियो दोबारा से प्ले करनी पड़ेगी ताकि आप काम कंप्लीट करो आपकी बुक्स और नोटबुक्स कंप्लीट होनी चाहिए ताकि जब मैं आऊँ तो मैं चेक करूँ और सब कुछ कंप्लीट हो ओके टिल द नेक्स्ट वीडियो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड डोंट गो आउट वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली स्टे सेफ अल्लाह हाफिज़ ग्रेड थ्री